व्यूअर्स हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आपका स्वागत करते हैं लेवल अप पे हेलो मैं हूँ पायल बबूटा और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड एडुकेशन इंटीग्रेटेड एडुकेशन क्या होती है इंटीग्रेटेड करिकुलम हम पढ़ चुके हैं तो इंटीग्रेटेड करिकुलम और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं ओके okay? आप दोनों को मिक्स मत कीजिएगा सो इंटीग्रेटेड एडुकेशन जो होता है वो होता है सबके साथ मिलजुल के एजुकेशन लेना ओके okay? जब हम एजुकेशन लेते हैं अब जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मिलजुल के ही एजुकेशन लेते हैं सो so इसमें कौन सी नई बात है बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिजिकली चैलेंज या फिर फिजिकली चैलेंज सिर्फ फिजिकली नहीं बोलेंगे बट जो स्पेशलाइज बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं मे बी उनके आ, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो मे बी कोई मेंटली वो थोड़े से वीक हो नॉर्मल बच्चों से और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, है ना जिनको थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है आप बोलते हैं डिजेबल है बहुत मेजर डिजेबल नहीं होना चाहिए जो थोड़ा बहुत डिजेबल होता है या नॉर्मल परसेंटेज आप बोल सकते हो जो एक्सेप्ट कर सके हम नॉर्मल लोगों के साथ या फिर नॉर्मल बच्चों के साथ वैसे डिजेबल पर्सन को आप इस तरीके की जो एजुकेशन है जो भी हमारे स्कूल में चलती है वो एजुकेशन दूसरे बच्चों के साथ लेने का पूरा पूरा हक है ओके सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं बहुत मेजर डिसेबिलिटी नहीं इसे इस चीज को आपको याद रखना है कि जो डिसेबिलिटी होती है बच्चे में वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर बच्चा है जो वो नॉर्मल बच्चों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा ओके okay? तो इसमें क्या करते हैं ना पहले इन सब के लिए स्पेशलाइज स्कूल होने के बाद थी और मे बी कुछ जगहों पे स्पेशलाइज स्कूल था भी बट Uh, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बच्चे इतने ज्यादा डिजेबल तो नहीं है क्यों ना हम उनको एक राइट दे कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिलजुल सके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके और नॉर्मल बच्चों के साथ जी सके ठीक है ना तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए तो उन्होंने नॉर्मल स्कूल में ही कहा कि नॉर्मल स्कूल जो है उसमें हर बच्चे को एजुकेशन की राइट right दी जाए इवन अगर वो डिजेबल है विथ माइनर डिजेबल थोड़ा बहुत डिजेबिलिटी है तो हम उसे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने की जो राइट right है वो दे सकते हैं इसका क्या फायदा है सबसे पहला यहाँ पे एक वर्ड जो है ये स्कूल है जो थोड़ा सा आई थिंक कट गया है सो दिस इज स्कूल ओके शन ऑफ डिजेबल्ड चिल्ड्रन इन अ कॉमन विथ अदर इन जनरल स्कूल सो जनरल स्कूल में ही डिजेबल्ड बच्चे जो है विथ माइनर डिजेबिलिटी पढ़ सकते हैं ठीक है ना अब इससे क्या जरूरत थी इसकी ये जरूरत थी कि जब बच्चा अलग से पढ़ता है अलग स्कूल में पढ़ता है या फिर मान लीजिए किसी के अंदर थोड़ी सी डिजेबिलिटी है और हम उसे अगर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं तो जो नॉर्मल बच्चे भी हैं वो उस बच्चे को स्पेशलाइज समझ के वो ये सोचते ये बच्चा हमारी कैटेगरी में नहीं आता है इससे क्या होता है वो लाइफ टाइम अपनी सोसाइटी में एक सेपरेट इंडिविजुअल बनके ही जीने लगता है ओके okay? सो so, इस वजह से जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट आया था ताकि हम एक बच्चे को नॉर्मल ट्रीट कर सके ताकि एक बच्चा जो है वो नॉर्मल फील भी कर सके अपने आप को उसे ये नहीं फील हो कि मैं इन लोगों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकता मैं बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकता ओके सो नेक्स्ट कम्स और इसकी और हमारे पास जो भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो और क्यों आया था ब्रिंगिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन कॉन्टेक्ट विद द नॉर्मल चिल्ड्रेन ताकि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन है या जो एक्सेप्शनल बच्चा है वो एक नॉर्मल चाइल्ड के कांटेक्ट में आ सके और उसी की तरह एजुकेशन ले सके फील कर सके कि मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ मुझे स्पेशलाइज ट्रीट क्यों किया जा रहा है मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है मुझे क्यों नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता क्यों मुझे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता सो so, इन सब चीजों से वो उभर ये हो, कभी-कभी होता है कि ये इस तरीके की जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है या फिर सोसाइटी में या स्कूल्स में या फिर हम जब बच्चे को ट्रीट करते हैं उसमें तो बच्चा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है सेम राइट एज अदर उस और जो भी बच्चा इंटीग्रेटेड स्कूल में पढ़ रहा है या वो एबल्ड है या डिजेबल्ड है या नॉन डिजेबल्ड है आप सभी टाइप के बच्चों को जो है इक्वल राइट right लेने का पूरा पूरा हक है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हीं के उनको हर अपॉर्चुनिटी मिले हर कोर्सेस करने की हर पढ़ाई करने की जो एक नॉर्मल बच्चा करता है हर एक्टिविटी करने की जो एक नॉर्मल बच्चा करता है और कोई भी चीजों से उसे सेपरेट नहीं रखा जाए उसे अपॉर्चुनिटी हो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीने की इसीलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जरूरत है ओके इक्वल पार्टनर इन द कम्युनिटी जिस तरीके से हम जीते हैं इस तरीके से एक नॉर्म एक डिजेबल बच्चा भी कम्युनिटी में अपनी जगह बना सके वो एक अच्छा पार्टिसिपेंट बन बन सके ओके okay, और वो हर राइट को एंजॉय कर सके जो एक नॉर्मल बच्चा एंजॉय करता है या फिर एक नॉर्मल सिटीजन एन्जॉय करता है ओके सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के पीछे ये बेसिक थॉट थी अब अब इस अब जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है स्पेशल सर्विस इन द रेगुलर क्लासेस ओके सो क्लासेस तो रेगुलर होंगी मतलब इंटीग्रेटेड uh, एजुकेशन को अगर नॉर्मल स्कूल में हमें पढ़ाना है तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन बनाने के पीछे क्या रास्ते सोचे गए थे किस तरीके से ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हम सोच तो रहे हैं कि नॉर्मल बच्चों के साथ हम डिजेबल्ड बच्चे को भी पढ़ाएंगे लेकिन ये चीज कैसे पॉसिबल होगी तो उन सब के लिए कुछ एक चीजें सोची गई थी जैसे रेगुलर क्लासेस तो चलेंगी लेकिन इसके साथ हम थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा ध्यान दे दें उन बच्चों पे और हमें इस तरीके से ध्यान देना है कि उन बच्चों को फील ना हो कि हमें एक स्पेशलाइज और एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है ओके okay? और सेम शेड्यूल को फॉलो करते हुए जो एक नॉर्मल बच्चा फॉलो करता है मॉर्निंग से आके फर्स्ट पीरियड से लेकर घर जाने तक लास्ट पीरियड तक जिस तरीके का शेड्यूल फॉलो करता है वो शेड्यूल एक डिजेबल्ड बच्चा भी फॉलो करे ओके okay? तो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये सब चीजें इंक्लूड करता था ओके okay? और क्या इंक्लूड करता था स्पेशल सपोर्ट ऑफ़ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन ने ये भी बोला था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी बोलता था कि जो टीचर्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमें एक सेपरेट और या फिर मान लीजिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगा कि जो टीचर है वो थोड़ा सा क्लासरूम में एफर्ट डालेगा तो वो समझ पाएगा कि एक नॉर्मल बच्चा और एक और एक जो डिजेबल्ड बच्चा है उसे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और एक नॉर्मल बच्चे को डिजेबल्ड बच्चे के साथ कांटेक्ट में लाना और ये समझाना कि ये तुम्हारे ही तरह नॉर्मल है और ये हमारे ही तरह नॉर्मल है और बिल्कुल भी उन्हें सोसाइटी से सेपरेट नहीं करना और ये फीलिंग जब नॉर्मल बच्चा और डिजेबल्ड बच्चा साथ में पड़ेगा तो ये फीलिंग शुरू से उनके दिमाग में रहेगी कि ये एक स्पेशलाइज चाइल्ड नहीं है ये भी हमारी ही तरह एक नॉर्मल बच्चा है और एजुकेशन लेने का राइट्स एंजॉय करने का ये बच्चे को भी पूरा पूरा हक है तो ये हमें सपोर्ट तभी ये चीजें तभी मुमकिन हो पाएंगी जब टीचर्स का प्रॉपर सपोर्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट रहेगा कहाँ पे हमें जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डिसीजंस लेगा उन चीजों पे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ताकि जो चीजें है बहुत ही स्मूथ चले ओके okay? पेरेंट्स को ध्यान में रखना पेरेंट्स क्या चाह रहा है एक डिजेबल्ड बच्चे का पेरेंट्स क्या क्या सोच रहे हैं उनके मन में क्या है वो किस तरीके की फैसिलिटीज चाह रहे हैं या फिर कोई अः पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने बच्चे के बारे में बहुत जानते होंगे तो ये बताना कांटेक्ट हमें ध्यान से पेरेंट्स की बात भी सुननी है कि पेरेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं अपने बच्चे के बारे में और उन्हें ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डिजेबल्ड बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है पढ़ते हुए या फिर उसे एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है तो पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में रह के हम इन चीजों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वल यूज ऑफ फैसिलिटीज अब मान लीजिए स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है लाइब्रेरीज होती है ठीक है ना और आ, हमारे पास गेम्स खेलने के लिए फील्ड होते हैं फिर और भी तरीके के हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं ठीक है ना कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिसमें नॉर्मल बच्चा बैठ के कंप्यूटर सीख रहा हो तो बहुत सी फैसिलिटीज साइंस लैब होना तो ये सारी फैसिलिटी का इक्वल यूज होना क्यों एक नॉर्मल बच्चा ही सिर्फ उस फैसिलिटी को एंजॉय करे क्यों ना हम एक डिजेबल बच्चे को भी नॉर्मल बच्चे के साथ बिठा के उन चीजों को एंजॉय करवाएं उन राइट्स को देने क्योंकि बहुत से ऐसे डिजेबल बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हुए भी अपने आप को कोपक कर जाते हैं। मतलब अपने आप को उसी बराबरी में लेते हुए चलते हैं ओके okay? और हमें ऐसा देख के लगेगा कि इस बच्चे को स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है ओके एंड इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम कभी कभी क्या होता है ना कि आ, कुछ चीजें तो नॉर्मल रूटीन के साथ डिजेबल बच्चा फॉलो कर सकता है लेकिन कभी कभी हो सकता है किसी चीज में उसे कुछ डिफिकल्टी आ रही हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बच्चे को क्या डिफिकल्टी आ रही है उसे सोचते हुए हमें उसके हिसाब से कोई प्लान या कोई प्रोग्राम बनाना ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज यानी कि जैसा इंसान हो हमारे सामने उसकी जैसी प्रॉब्लम हो उसी हिसाब से सोल्यूशन ढूंढना इंडिविजुअल नीड के हिसाब से ओके क्रिएटिंग रिलेशन बिट्वीन डिजेबल्ड एंड नॉन डिजेबल्ड जाहिर सी बात है जब एक डिजेबल्ड बच्चा और एक नॉन डिजेबल्ड बच्चा दोनों साथ में आएंगे तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे बातें करेंगे और जब हम उन चीजों को देखते देखते नॉर्मल फील करेंगे ताकि कभी क्या होता है हम जब देखते हैं डिजेबल्ड बच्चा ओ गॉड ये डिजेबल्ड है हमें क्या लगता है कि नहीं ये हमारे बराबर नहीं है हम उसे थोड़ा सा डाउन देखने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअली में जब हम हमारे साथ कोई नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा, एक कोई disabled बच्चा पढ़ रहा रहा है कोई बच्चा हो 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 हम उसे रोज़ रोज़ देखते हो, रोज मिलते बातें करें मिले जुले आपस में खेले तो क्या होगा हमें वो चीजें नॉर्मल लगेंगे हम उन डिजेबल्ड uh, बच्चों को भी नॉर्मल ट्रीट करने लग जाएंगे ओके okay? सो so, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी अपनी सोसाइटी के लिए भी और अपने स्कूल के लिए भी ओके सो इससे क्या होता है ना जो बच्चा है उसे बहुत अच्छा फील होगा मेंटली भी वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा और वो अपने आप को एक नॉर्मल बच्चा ही समझने लगेगा नेक्स्ट अब हम ये चीजें कैसे कर सकते हैं बहुत सारा बहुत सारे तरीके हैं इन चीजों को करने के लिए फिजिकल इंटीग्रेशन तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिजिकली हम किसी भी बच्चे को फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना मिले जुले आपस में बात करे आपस में खेले सो so, इस तरीके का इंटीग्रेशन करके हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ठीक है एकेडमिक इंटीग्रेशन जिसमें बच्चा एकेडमिक में भी यानी स्कूल में भी हर फैसिलिटी को एंजॉय करते हुए हर एक्टिविटीज को करते हुए हर गेम्स को खेलते हुए जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है क्यों हम एक डिजेबल बच्चे को उससे अलग रखते हैं क्यों नहीं हम उससे करने देते हम ट्राई तो कर सकते हैं हम उसपे हम उन बच्चों पर वर्क तो कर सकते हैं और इसी तरीके से अकेडमी के लिए भी इक्वल रखते हुए चलना ओके okay? इनसे भी हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फिर सोशल इंटीग्रेशन सोशल इंटीग्रेशन में क्या होता है इंटरेक्ट करेगा बच्चा ओके okay? इंटरेक्ट आपस में मिलना जुलना नॉर्मल बच्चे के साथ एक डिजेबल्ड बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा आपस में मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं दोस्ती कर रहे हो सकता है अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाए अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए तो इससे क्या होगा बच्चा जब अलग अलग नहीं रहेगा और एक ही जगह पे पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो सोशली भी खुद को अपने आप को डेवलप करेगा सोसाइटी के लिए नॉर्मल फील करेगा वो अपने आप को दुनिया से अलग महसूस नहीं करेगा और इस तरीके के कॉन्टेक्ट से भी हम जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ओके सोसाइटल इंटीग्रेशन और जब बच्चा स्कूल से पढ़ते हुए इंटीग्रेटेड स्टडीज करते हुए मिलते जुलते एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट होते हुए आएगा तो डेफिनेटली जब वो सोसाइटी में आएगा तो भी उसे इक्वल हक होगा कि उसे भी जॉब मिले वो भी वर्क करे और वो भी सोसाइटी के हर चीज में पार्टिसिपेट करे और लोग उनसे मिले जुले और उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे एक नॉर्मल इंसान को ट्रीट किया जाता है क्यों हम उन्हें एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दें क्यों जबकि अगर थोड़ी सी डिजेबिलिटी है तो क्यों ना हम उसे नॉर्मल उन बच्चों को नॉर्मल ही ट्रीट करते हुए आगे बढ़े हम उनकी डिजेबिलिटी को इग्नोर करते हुए और उनको किन चीजों की जरूरत है उन चीजों को ठीक से यूज करते प्रोग्राम्स बनाते हुए टीचर्स का सपोर्ट लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लेते हुए पेरेंट्स से डिस्कशन करते हुए हम इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन यही कॉन्सेप्ट लेके आया था सो so, होप करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वापस आइए दोबारे नए नए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे